बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रेडशीट्स के अंदर आप फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने फॉन्ट अलाइनमेंट और न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग की डिटेल्स आपको फराहम की थी। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज फॉर्मूलाज इन स्प्रेडशीट्स, यानी आप स्प्रेडशीट्स में फॉर्मूलाज को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट्स के अंदर फॉर्मूला होता क्या है। अ फॉर्मूला इन एक्सेल और स्प्रेडशीट, क्योंकि दोस्तों एक्सेल ही एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो अ फॉर्मूला इन एक्सेल इज एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ स्पेसिफिक रिजल्ट। यानी जब भी आप एक्सेल में कोई इस तरह की एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको अप्लाई करने के बाद वो एक्सप्रेशन आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, कोई ना कोई आंसर देगी, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को फॉर्मूला का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ रही है 1+2, और जब आप इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगी विच इज 3, विच मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर्मूला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और एक्सप्रेशन नजर आ रही है 6/3, तो इस एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो है 2, विच मीन्स कि इस तरह की एक्सप्रेशन जिसको परफॉर्म करने पर वो एक्सप्रेशन आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, इस तरह की एक्सप्रेशन को फॉर्मूला कहा जाता है। और एमएस एक्सेल में आप फॉर्मूलाज को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके कुछ स्टेप हैं, जिसमें नंबर 1 है, यू फर्स्ट सिलेक्ट अ सेल, यानी आप सबसे पहले जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर एन इक्वल साइन। दोस्तों याद रखें, ये इक्वल टू का साइन ही स्प्रेडशीट्स को बताएगा कि जो सेल में एक्सप्रेशन पड़ी है ये दरअसल फॉर्मूला है, क्योंकि एक ही सेल में आप कभी नंबर्स को टाइप कर रहे होते हैं, कभी टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप फॉर्मूला को भी टाइप करते हैं। तो एमएस एक्सेल को कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला है, उसको पता लगेगा इस इक्वल्स टू के साइन के जरिए। इक्वल्स टू को लगाने के बाद अब जो आपको तीसरा काम करना है वो है यू कैन टाइप द फॉर्मूला। अब आप अपना फॉर्मूला यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और फॉर्मूला को टाइप करने के बाद यू कैन प्रेस एंटर, यानी जैसे ही आपको लगे कि अब आपने पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सही टाइप कर दिया है, अब आप जैसे ही एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, यानी अपने कीबोर्ड पर मौजूद एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, तो वो सेल में लिखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, रन हो जाएगा, और अब उस सेल में फॉर्मूला की जगह आ जाएगा उसका रिजल्ट। यानी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये 2 सेल्स में पड़े डाटा आपको नजर आ रहा है। अब मुझे इस डाटा को इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है, विच मीन्स कि इसके लिए मुझे फॉर्मूला टाइप करना होगा। तो फॉर्मूला मुझे जिस भी सेल में टाइप करना है, पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आप प्लेस करेंगे, अब आपके स्प्रेडशीट को सॉफ्टवेयर को पता लग जाएगा कि आप फॉर्मूला एंटर करने वाले हैं। उसके बाद आप फॉर्मूला को टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला नजर नहीं आएगा, बल्कि उस फॉर्मूला का रिजल्ट नजर आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स पर फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। दोस्तों स्प्रेडशीट्स में आप कई तरीके के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के फॉर्मूलाज को बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, और मुझे इन तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करना है, तो मैं सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करूंगी जिस सेल में मुझे इन तमाम नंबर्स को सम करवाने के बाद जो रिजल्ट है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी। दोस्तों इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद अब हमें इन तमाम वैल्यूज को आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को नहीं लिखेंगे, बल्कि ये वैल्यूज जिन सेल्स में पड़ी है उन सेल्स के एड्रेसेस को लिखेंगे। दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगी D4+D5+D6। तो अब आप देख सकते हैं कि जिन सेल्स को मैंने यहाँ लिखा है वो हाईलाइट भी हो चुके हैं, जिससे आपको पता लग रहा है कि आपने सही सेल्स को चूज किया है। अब इसके बाद आप जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, तो आप देखिएगा कि इन तमाम सेल्स को
सम करने के बजाय के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप एडिशन का फॉर्मूला किसी भी नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। दोस्तों यहाँ पर भी आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे। इक्वल्स टू का साइन लिखने के बाद अब आपको सेल एड्रेसेस लिखने। दोस्तों यहाँ पर एक और अहम बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर सेल एड्रेसेस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें वैल्यूज को चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देती हूँ 18, 1 के बजाय मैंने यहाँ पर 18 कर दी। तो अब मुझे फॉर्मूला को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब पहले यहाँ पर 6 था और अब ये नंबर चेंज करते ही ऑटोमेटिकली फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो गया। विच मीन्स के आप वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपको फॉर्मूला को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको सेल एड्रेसेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं फॉर्मूलाज के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे। इक्वल्स टू के साइन के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। तो दोस्तों पिछला जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर हमने तमाम सेल के एड्रेसेस खुद से टाइप किए। अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो आप सिंपल उस सेल को सिलेक्ट करें जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जिन वैल्यूज को आपको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है आप उन सेल को सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए कि आपको इस सेल का एड्रेस यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है इसके नीचे वाले सेल से, विच इज F5। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस लगाऊंगी और माइनस लगाने के बाद जिस सेल से मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करवाना है मैं वो सेल सिलेक्ट करूंगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर F5 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप सेल्स को टाइप कर सकते, मतलब आपको सेल्स को टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप उनको सिलेक्ट करके ही वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखिएगा कि इस फॉर्मूले का रिजल्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद आपको जिन भी सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जिस दूसरे वैल्यू से आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना है आप उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यानी वो वैल्यू जिस सेल में पड़ी है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद एंटर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 × 4 = 8 आपका रिजल्ट आपको इस सेल में नजर आ रहा है। इस तरीके से डिवीजन के लिए भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद जिन नंबर्स को आपको डिवाइड करना है उनके सेल्स को सिलेक्ट करके आप डिवीजन का साइन लगाएंगे और जिस भी नंबर से आपको उसको डिवाइड करवाना है उसके सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस भी सेल पर मैंने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया है मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगी तो आपको इस फॉर्मूला बार में भी वो फॉर्मूला नजर आ जाएगा। आप यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं कि उस फॉर्मूले के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला बार के जरिए भी वो एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो जितने भी फॉर्मूलाज आपने अप्लाई किए हैं आप उस सेल पर क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए फॉर्मूलाज एमएस एक्सेल के अंदर। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आपको किसी दूसरी शीट में, यानी एक ही वर्कबुक में कई तरह की शीट्स होती हैं, तो किसी दूसरी शीट्स के सेल को पहली शीट के सेल से आपको ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना है, यानी फॉर्मूला के अंदर यूज करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शीट 2 में आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, A1 जिसमें वैल्यू है 2, A2 जिसमें वैल्यू है 3, A3 जिसमें वैल्यू है 4 और इसी तरीके से A5 तक के सेल्स के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हैं। तो दोस्तों अब हमें इन A1 और A2 में पड़ी वैल्यू को ऐड करवाना है शीट 1 की इन वैल्यूज से। तो आप वो किस तरह से करेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इन वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसको आपने सिलेक्ट किया D4 प्लस D5 प्लस D6। अब दोस्तों आपको शीट 2 में पड़ी वैल्यूज को इन वैल्यूज से ऐड करवाना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप रेफरेंस देंगे शीट 2 का। यहाँ मैंने लिखा शीट 2 और आप दोस्तों उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। ये लगाने के बाद अब इस शीट में
जिस भी सेल में पड़ी वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है, आप उस सेल का एड्रेस देंगे। दोस्तों मुझे क्योंकि A1 को A1 और A2 को ऐड करवाना था, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही A2 के लिए भी लिख दूंगी Sheet 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स और उसके बाद A2 जो कि एड्रेस है इस शीट के सेल नंबर 2 का, तो मैंने यहाँ पर ये दे दिया है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है, यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, अब इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एक ही वर्कबुक में मौजूद शीट्स की वैल्यूज को आपस में एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, यानी फॉर्मूलाज के अंदर यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये था फॉर्मूलाज को अप्लाई करने का सर तरीके का। अगले लेक्चर में हम आपको स्प्रेडशीट्स के अंदर फंक्शंस को अप्लाई करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।